चोरा मेरे मज पम डाना वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डाना वेर मन सिखा। समर संघ की विशेषताएं। समर संघ, संघ का जो नेतृत्व है सामूहिक नेतृत्व है, यानी ये सभी लोगों का यहाँ फैसला होता है जो बहुमत से होता है, जैसे बुद्ध से पहले होता था वज्जी लोगों में और शाक्य लोगों में, वही समर संघ की तरह है। पूरा का पूरा संघ बैठता है, वो निर्णय लेता है। यहाँ एक व्यक्ति के निर्णय की कोई अहमियत नहीं है, एक व्यक्ति की यहाँ कोई औकात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, समर संघ का नेतृत्व व्यक्ति नहीं करता, संघ खुद अपना नेतृत्व करता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो आप उसको सीधे सीधे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि संघ के अंदर व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, व्यक्ति अपना एजेंडा रख सकता है, व्यक्ति को जो करना है वो कार्य रख सकता है, मगर संघ ही पास करेगा तब वो होगा, वो भी बहुमत से पास करेगा। नंबर दो, संघ को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। पहले भी जितने संघ बने हैं बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले, उन्होंने भी पैसा नहीं इकट्ठा किया। जब कभी कोई आवश्यकता होती है तो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद ही काम करते हैं। जैसे वी द पीपल समर संघ की जो मीटिंग लगती हैं, सभा लगती हैं, उसमें लोग अपना खाना खुद लेके आते हैं, अपने किराए से आते हैं, और जिस जगह आते हैं वो जगह अमूमन फ्री की होती है, फ्री की जगह बैठते हैं। कोई पार्क है, कोई वाल्मीकि मंदिर है, कोई रविदास मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गवर्नमेंट का है, या कोई सतना भवन है, कोई गाड़गे भवन है, कोई कबीर भवन है, कोई अम्बेडकर भवन है, कोई बुद्ध विहार है, या कोई सड़क का कोई कोना है। और अगर पैसे की भी लेनी पड़ती है तो हर व्यक्ति बराबर पैसे देता है। जैसे 26 दिसंबर को जो लखनऊ में डॉक्टर्स की मीटिंग है, उसमें खाने का और रहने का हर डॉक्टर अपना पैसा खुद देगा, जितना उसके हिस्से में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहाँ मंच माला माइक से दूर रहते हैं, क्योंकि मंच माला माइक का यहाँ कोई काम नहीं है। मिलने और जुड़ने के लिए 200 आदमियों तक आदमी मुँह से बोल सकता है, इससे ज़्यादा अगर बोलेगा तो जो लोग मीटिंग लगाते हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। कोशिश करते हैं कि फ्री की मंच माला मिल जाए, माला की तो आवश्यकता नहीं है, फ्री का मंच मिल जाए या फ्री का कोई माइक मिल जाए तो काम बन जाता है। समर संघ का एक नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ जो मेंबरशिप है उसका कोई पैसा नहीं है, यानी मेंबरशिप के लिए कोई पैसा नहीं है। और जितने भी समर संघ में लोग हैं, चाहे वो मूल निवासी हैं, चाहे बहुजन हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे माँ के पेट में हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ, चाहे कोई बूढ़ा है जो हॉस्पिटल में है, चाहे कोई जेल के अंदर अपनी सजा भुगत रहा है, समर संघ सारे ही मेंबर को अपने अंदर लेके आता है। यानी कि हर व्यक्ति इसका मेंबर है। इसके दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो जैसा बताया कि हर व्यक्ति इसका मेंबर है पैदाइशी, क्योंकि उसका राइट बन जाता है अगर वो समर है तो, और दूसरा जो इसमें ज़्यादा काम करते हैं वो इसके एक्टिव मेंबर होते हैं, उनको स्पोक भी बोलते हैं, एक्टिव मेंबर भी बोलते हैं। वो यहाँ व्यवस्था देखते हैं, यहाँ काम देखते हैं, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपस में मिलजुल के काम होता है। एक संघ की विशेषता ये भी है कि इसकी कोई अलग से सेपरेट विंग नहीं होती, जैसे पॉलिटिकल विंग है या रिलीजियस विंग है या कोई सरकारी कर्मचारी की विंग है। जितनी भी विंग बनी हुई हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल व्यूज़ भी इसके बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जितने भी समर संघ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सबको साथ आना होगा। जो रिलीजियस व्यू है वो समर संघ का बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा संविधान में दिया है रिलीजियस पॉइंट वही है सेम। और जो सबसे खास इम्पोर्टेंट है कि आप समर संघ विद द पीपल की आइडियोलॉजी को समझें, जुड़ना है और जोड़ना है, एक लाइन में है, जुड़ना है और जोड़ना है, जिद्द है जुड़ने की और जोड़ने की, जुड़ेंगे जिंदा रहेंगे, जिद्द है जिंदा रहने की, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वहाँ जीते हैं, जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं, पहले भी जुड़े थे जीते थे, अब भी जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, नस्ल खत्म हो जाएंगी। जैसे जंगल के अंदर जो जानवर समूह में नहीं रहते वो खत्म हो गए, पेड़ भी समूह में रहते हैं, यहाँ तक कि झाड़ी भी समूह में रहती हैं, मछलियाँ भी इकट्ठी रहती हैं, समूह में रहती हैं। इसलिए इकट्ठा होना जुड़ना इसकी टैगलाइन है, इसकी जान है, इसकी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को अगर आप जानते हैं, इसको मानते हैं और ये समझते हैं कि बिना जुड़े हमारा कल्याण नहीं हो सकता, तो समर संघ आपके लिए है, वी द पीपल आपके लिए हैं,
और आपको लगता है कि एकल चले, अकेले चले में सब कुछ हो जाएगा, कोई ग्रुप संगठन अकेला चलेगा ठीक हो जाएगा, तो वैसे ही मारे जाएंगे जैसे जंगल के अंदर जो अकेला जानवर घूमता है उसका कोई भी शिकार कर लेता है, उसे बचाने कोई नहीं आता और वो जातियाँ प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई और बाकी हो जाएंगी। वैसे ही समर समाज की नस्लें भी ख़त्म हो जाएंगी अगर इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, यही समर संघ है। इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपका काम करने का मन है आ जाइए, इसमें काम कर देखिए, अच्छा ना लगे जा सकते हैं, यही पस्सी को है, आइए और देखिए। कोई बाध्यता नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और कोई अगर वी द पीपल समर संघ के नाम से पैसे मांगता है या ये कहे कि मैं उसका पदाधिकारी हूँ, उसका नेता हूँ, तो उसके कान पे मिला के दो रखिए और उसकी FIR भी कराइए, क्योंकि यहाँ ना पद है, ना यहाँ व्यक्ति है और ना यहाँ पैसे लिए जाते हैं। धन्यवाद। साधु साधु।